हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था हाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस राज एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो बेटा पेज नंबर 14 पर आओ। सो हेयर टॉपिक नंबर 3, फ्रांस अबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, यानी फ्रांस ने क्या किया, पहले तो वो क्या था, मोनार्किज्म था, यानी वहाँ पर राजा भी था, बट नाउ अब राजा भी नहीं रहेगा, मोनार्किज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फ्रांस जो था वो एक रिपब्लिक बन जाएगा। और रिपब्लिक किसको कहते हैं, जो कंट्री कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे होता है और जहाँ पर रूलर जो होता है वो जनता से चुन के जाता है। ठीक है, सो नाउ कंटिन्यू पेज नंबर 14। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. ठीक है, अब हुआ क्या, मामला जो था वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और ख़राब ही हो रहा था। हालांकि चलो किंग ने नेशनल असेंबली को भी एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्टेंस दे दिया, अपनी पावर्स भी लिमिटेड करवा ली। ठीक है, बट राजा इस तरह से उसको कोई मज़ा नहीं आने वाला था, तो उसने अपने लेवल पे कुछ एफर्ट स्टार्ट कर दिए। एफर्ट क्या स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर अभी यूरोप का वेस्टर्न यूरोप का मैप है, ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन और यहाँ पर ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से यहाँ पर ये है इटली, यहाँ कुछ हिस्से हैं स्विट्ज़रलैंड नीदरलैंड और यहाँ पर एक कंट्री है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य का नाम था प्रशा, प्रशा जो कि जर्मनी के अधिकांश हिस्सों पर रूल करता था। ठीक है, ये हिस्से जो थे जर्मनी के, ये प्रशा नाम के एक साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये फ्रांस है, ये वाला कंट्री। ठीक है, तो फ्रांस ने एक स्टार्टिंग क्या कर दी है, फ्रांस का जो राजा था, ठीक है, लुई 16th, उसने प्रशा के साथ एक गुप्त वार्ता शुरू कर दी। ठीक है, यानी कि वो क्या चाहता था, उसने मामला निपटाने के लिए एक बार को तो चलो सहमति दे दी। ठीक है, और इससे नीचे यहाँ पर ये जो साम्राज्य था इसका नाम था ऑस्ट्रिया, ये कौन है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, बट जो लुई 16th था उसने प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, अंदर अंदर बातचीत शुरू कर दी। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस आफ्टर देयर सिंस द समर ऑफ 1789। अब आस पड़ोस के भी जो कंट्रीज थे, आस पड़ोस के भी जो राजा थे, वो भी फ्रांस में जो 1789 की गर्मियों के बाद से जो ये क्रांति वाला दौर चला था उससे वो भी चिंतित थे। उनको लगता था कि अगर फ्रांस में ये सिस्टम कामयाब रहा तो हमारे एरिया की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीक़ों को आजमाने लगेगी और हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू हेल्प लुई 16th। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि फ्रांस के जो लुई 16th है उसकी हेल्प की जाएगी और जनता को कंट्रोल में करने का एक स्टार्ट एफर्ट जो है वो किया जाएगा। ओके, सो द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, बट अब क्या हुआ, 1792 में अप्रैल 1792 अप्रैल 1792 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अपने प्रपोजल पास कर लिया। क्या प्रपोजल पास कर लिया, कि वो प्रशा के साथ जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, एंड टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस ने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दिया। सो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रॉन्स फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द
यूरोप। तो उन्होंने बहुत से थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स थे वो अब लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आ गए, ठीक है, उन्होंने लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया। एंड मेनली उनकी जो लड़ाई थी वो किसके खिलाफ थी, वो राजा और जो मेनर्स होते थे या जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ थी, वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। अमंग द पेट्रियटिक सॉन्ग दे संग वॉज द मर्सिलेस, ठीक है, मर्सिलेस को गाते हुए वो क्या हुआ, पेरिस के अंदर पहुँचे, ठीक है। और जो मर्सिलेस था, रोजे डी लाइल नाम का एक पोइट था, ठीक है, पोइट का क्या नाम है, रोजेट डी लाइल, लाइल कैसे लिखा जाएगा, एल अपोस्ट्रोफ आई एस एल ई, ठीक है, जैसे आइसलैंड में आइलैंड में एस साइलेंट होते हैं, इसी तरह यहाँ भी, ठीक है। तो रोजेट डी लाइल ने क्या मर्सिलेस को लिखा, मर्सिलेस एक जगह का नाम था जहाँ से उस कविता को गाते हुए, जो कि एक पेट्रियटिक पोएट पोएम थी, देशभक्ति की रचना थी, उसको गाते हुए वो पेरिस तक गए, ठीक है, इसीलिए उस कविता का नाम जो था वो मर्सिलेस ही पड़ गया और बाद में वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। सो इट वॉज फर्स्ट संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलेस एज दे मार्च इन टू पेरिस एंड सो गेट इट्स नेम। द मर्सिलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, मर्सिलेस। उसके बाद देन रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉड लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू पीपल। ऑब्वियसली अगर लड़ाई होगी तो इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट उसके पड़ते ही हैं, बहुत सारी जगहों पर इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो ख़राब हो गई। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट फ्रंट, वेमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। अब जो पुरुष थे वो तो लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चों पर चले गए, तो उनके पीछे घरेलू स्थितियां संभालने के लिए या फिर थोड़ा अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो स्थिति हाथ में लेनी पड़ी वो महिलाओं को लेनी पड़ी, ठीक है, तो वो अब कमाने के लिए निकल पड़ी घरों से। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर में, उसमें क्या डिस्कशन था कि जो वोटिंग राइट किसको मिला था, जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स देगा, ठीक है, यानी ओनली टैक्स पेयर्स को ही उन्होंने राइट टू वोट दिया था। बट नाउ द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वांटेड राइट टू वोट। अब जो निचले वर्ग के लोग थे वो भी राइट टू वोट चाहते थे, ठीक है, उन्होंने भी अपने ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगता था कि जो अधिकार हैं वो तो सिर्फ अमीर लोगों को ही मिले हैं, गरीबों को तो मिले ही नहीं। सो पोलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। तो बहुत सारे ऐसे क्लब बनने लगे, ग्रुप बनने लगे, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, नीतियों को, प्लान्स को डिस्कस करते थे, अपने लिए भी, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक हैं। सो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन क्लब। अब वो जो क्लब बने थे उनमें से सबसे जो कामयाब था वो था जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब, दैट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब एट दैट टाइम, विच गट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। और ये जो जैकोबिन नाम मिला था, ये जैकोबिन कहाँ से, सेंट जैकब एक संत थे पेरिस के कॉन्वेंट जिसको कहते हैं, तो उनके नाम पर ये नाम पड़ा था, जैकोबिन क्लब। सो वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ऑन क्लब। औरतों ने भी, महिलाओं ने भी अपने कुछ क्लब बनाने शुरू किए, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ डिमांड्स थी, तो उन डिमांड्स को फॉरवर्ड करने के लिए उन्होंने भी अपने कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बनाए। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो जैकोबिन क्लब के ज़्यादातर मेंबर थे, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया
जो निचले लेवल के लोग थे, गरीब लोग थे, उनको क्या लग रहा था कि जो राइट्स मिले हैं वो बेसिकली रिच सेक्शन को ही मिला है, अमीर लोगों को ही मिला है, गरीब लोगों को तो मिला ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ग्रुप्स, इसीलिए उन्होंने भी ग्रुप या फिर क्लब बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। बट अब उन्होंने क्या किया, जो क्लब बनाया जिनमें सबसे मेन कौन था, जैकोबिन, एंड जैकोबिन क्लब में कौन थे, लोअर सेक्शन के लोग थे, जिसमें कि आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन एंड प्रिंटर्स, वॉच मेकर एंड डेली वेजिंग वेज अर्नर्स, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, घड़ी बनाने वाले लोग एंड बाकी छोटे मोटे काम करने वाले लोग, आर्टिजन्स। तो उन्हों ज़्यादातर जो सदस्य थे जैकोबिन क्लब में इस तरह के सदस्य थे। सो दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स एंड वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज अर्नर्स। सो देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब उनका जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो अभी इस पॉइंट के बाद हम वही क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रिगार्डिंग। सो द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये कौन था, ये जैकोबिन क्लब का मेन लीडर था। सो अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। अब जो डॉक किसको बोलते हैं, जो समुद्री किनारे होते हैं जहाँ पे जहाज आके खड़े होते हैं, ठीक है, डॉक यार्ड्स, तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे वो एक लंबी पतलून पहनते थे, ठीक है, धारीदार से। तो ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं इन्होंने भी उन्हीं की तरह एक धारीदार पतलून पहनना शुरू किया, क्योंकि ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, ठीक है। सो अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रीचेज। तो स्पेशली वो किससे अलग दिखाना चाहते थे अपने आप को, जो वहाँ के नोबेल्स थे, ठीक है, नोबेल्स से अलग वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। अब नोबेल्स जो थे वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे नी ब्रीचेज, ठीक है, यानी उनका जो ड्रेस होता था वो एक घुटनों तक का ड्रेस होता था, ठीक है, घुटनों तक का एक ड्रेस होता था, लंबा सा एक जिसको कहें कि लंबा सा गाउन की तरह का, या जो पहले एक पिक्चर है जिसमें कि एक नोबेल बैठा हुआ है और अनाज या कुछ भी देने है जो आया, आप उस पिक्चर में भी देखो, ठीक है, तो उस पिक्चर में भी देखो आपको वो पहने दिखेगा, जो कि है पेज नंबर 5 पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे, नी ब्रीचेस। तो मेनली तो वो उनसे अलग दिखाना चाहते थे अपने आप को, और वो सिंबलाइज करना चाहते थे नाउ वी आर फ्री, भैया अब हम तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। सो इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वेल्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। वो क्या दिखाना चाहते थे, भाई जो ये नी ब्रीचेस पहनने वाले लोग हैं, ठीक है, घुटने पहनने वाले लोग हैं, हम इनसे अलग हैं, ठीक है, यानी हम उनकी पावर में नहीं हैं। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सेंट क्लॉड्स, और इनको क्या कहा गया, सेंट क्लॉड्स, ठीक है। तो सेंट क्लॉड्स का मतलब क्या हो गया, बिना घुटनने वाले, यानी कि जो घुटनना नहीं पहनते, जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। सो दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सेंट क्लॉड्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सेंट क्लॉड्स मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है। अभी लास्ट में आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो एक रेड कैप पहनते थे जो आफ्टर द एंड ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी ख़त्म होने के बाद पहनते थे, जो कि सिंबल था कि अब हम आज़ाद हैं, नाउ वी आर फ्री। सो दे वोर अ रेड कैप, जो कि क्या दिखाती थी, लिबर्टी, ठीक है, यानी अब हम पे किसी का रूल नहीं है, ठीक है। वुमेन हाउवर वॉज नॉट अलाउड टू डू दिस, पर औरतों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। सो इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान
plan an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. ठीक है, अब क्या हुआ 1792 में, अब वहाँ आपको पता है कहीं ना कहीं बैड हार्वेस्ट जिस साल आता था वहाँ पे प्राइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो इंक्रीज हो जाते थे. ठीक है, तो इस बार भी क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई एंड जो ब्रेड के दाम थे वो बढ़ गए. तो लोगों ने गुस्से में आकर क्या किया, जो राजा का महल था उसी पे हमला बोल दिया. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑगस्ट 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. ठीक है, अब ट्यूलरीज का जो महल था 10th August 1792. ठीक है, तो 10th August 1792 को लोगों ने क्या किया, जो राजा का महल था उसके ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है, एंड दे मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. जो किंग के गार्ड थे, रक्षक थे, उनको मार दिया. राजा को भी उन्होंने काफ़ी घंटों तक बंधक बनाए रखा. ठीक है, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. इलेक्शंस वर हेल्ड. बाद में नेशनल असेंबली ने जो पावर थी वो अपने पास रख के और रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया. ठीक है, और बाद में इलेक्शन करवाए गए. फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गेट द राइट टू वोट. अब क्या हुआ, जो पहले वाला सिस्टम था जिसमें सिर्फ अमीर लोगों को ही राइट टू वोट मिलता था, वो सिस्टम ख़त्म हो गया. ठीक है, एंड अभी 21 साल से अब जितने भी मेन थे अबव 21 years, 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे महिलाओं को छोड़कर यानी पुरुषों में, ठीक है, अब कोई ऐसा टैक्सेस का कोई दायरा नहीं था. 21 साल से ऊपर सभी के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया. सो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. और जब नई असेंबली बनी थी उसको क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया. ऑन 21 September 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिक. ठीक है, सो फाइनली ऑन विस डेट 21 September 1792 इस डेट को क्या हुआ, फ्रांस से मोनार्की ख़त्म कर दी गई, अबॉलिश्ड कम्प्लीटली एंड नाउ फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. और इलेक्शन होके एक नया गवर्नमेंट बना, नया असेंबली बना. ठीक है, एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो आपको पता है रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लोग अपना रूलर खुद चुनते हैं, इवन गवर्नमेंट का भी जो हेड भी होगा वो भी लोगों द्वारा ही चुना जाता है. सो देर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की नाउ. अब कोई वहाँ पे वंश के आधार पर राजा नहीं रह गए थे. ठीक है, एंड नाउ देर आर मैनी कंट्रीज, इवन आप इंडिया में भी देखिए यहाँ भी एक रिपब्लिक ही है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ इलेक्शन से आता है. यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है कि जो प्रधानमंत्री आगे उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. ठीक है, सो नाउ लुई 16th वाज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन. अब क्या हुआ, लुई 16th को जेल में डाल रखा था, तो लुई 16th पर मुकदमा चला और उसको देशद्रोह का मुकदमा उस पर चला. ठीक है, 21 January 1793. ठीक है, 21 January 1793 इस डेट को जो मोनार्क था लुई 16th उसे फांसी दे दी गई. ठीक है, सो ऑन 21 January 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्कर्ड. सो एक यानी कि उनको ऐसा नहीं कि कहीं पे जेल में छिपा के, पब्लिकली सबके सामने उसको फांसी दी गई. एक प्लेस था, ठीक है, डी ला कॉन्कॉर्ड, वहाँ पर उसको फांसी दी गई. उसकी वाइफ थी मैरी एंटोइनेट, मैरी एंटोइनेट का भी यही हश्र हुआ, उसको भी बाद में मार दिया गया था. ठीक है, तो यानी कि अब क्या, अब तो किंग ही मार दिया, अब तो बचा ही कुछ नहीं. ठीक है, सब खत्म हो गया. सो नाउ फ्रांस बिकेम ए कम्प्लीट रिपब्लिक. और जो गवर्नमेंट थी वो किससे आई, वो आई लोगों से चुन के. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द रीज़न ऑफ टेरर. ये 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. ठीक है, द रीज़न ऑफ
टेरर। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें। रीजन ऑफ टेरर, एक ऐसा टाइम व्हेन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इम्पोज सम टफ स्टैंडर्ड्स, उसने बहुत ही सख्त कदम लिए, सख्त नीतियां बनाई, जिससे कि लोग खुद ही परेशान हो गए। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, रूल जो था वो किसका था, जैकोबिन क्लब का। रूल किसका है, जैकोबिन क्लब का, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब का हेड कौन था, लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो यानी सरकार किसकी है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, ठीक है। और बिगिनिंग में ही जो था वो उन्होंने किंग को एग्जीक्यूट कर दिया, जनवरी 1793 में तो उन्होंने मोनार्क को फांसी दे दी। सो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीजन ऑफ टेरर। तो इस पीरियड को आतंक का समय कहा गया है, रीजन ऑफ टेरर कहा गया है। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने बहुत ही सख्त नीतियाँ बनाई और बहुत ही सख्त पनिश की, यानी कि सजाओं के दौर चलाया। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक लाइक एक्स नोबल्स एंड क्लेर्जी। अब नोबल्स तो नोबल ठहरे, उनको तो आदत थी पावर में रहने की, ठीक है। तो जो एक्स नोबल थे, क्लेर्जीज, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से खुश नहीं थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इनको डेमोक्रेसी का क्या माना, दुश्मन माना। सो ऑल दोज होम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक एक्स नोबल्स एंड क्लेर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिडंट एग्री विद हिज मेथड्स। यानी कि ये इनको तो उसने अपना दुश्मन माना ही माना, प्लस में अगर अदर कोई और भी पार्टी है उसके मेंबर्स भी, ये इवन उसके खुद की पार्टी में ही, जैकोबिन क्लब में ही अगर कोई पर्सन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से सहमत नहीं था, उसने उन सबको अपना दुश्मन माना एंड सबको जेल में डाल दिया, ठीक है। वर अरेस्टेड इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उन सबको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया और उन पर मुकदमा चलाया, ठीक है। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटाइन। अब गिलोटिन एक तरह का मशीन क्या हो, या उसमें क्या होता था, दो खंभे होते थे, बीच में एक सर काटने के लिए आरा लगा होता था, ठीक है। तो डॉक्टर गिलोटिन एक पर्सन थे, उन्होंने ये बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा। तो जो जो उस कोर्ट ने जिनको डेथ सेंटेंस दिया, मौत की सज़ा सुनाई, उन सबको गिलोटिन में लगा के उनका सर काट दिया जाता था। सो इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटाइन। द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विच अप विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड। बिहेडेड का मतलब क्या हो गया, सर कलम कर देना, सर काट देना। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है। सो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब मैक्सिमिलियन ने क्या किया, जो वेजेस थे या कीमतें थी, ठीक है, मजदूरी थी, वो तय कर दी, फिक्स कर दिया उसने। मीट एंड ब्रेड वर राशन, और मीट की ब्रेड की राशनिंग कर दी, यानी कि एक परिवार को इतना मीट मिलेगा, इतना गेहूं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा ले कोई कम ले, क्योंकि ज़्यादातर जो झगड़े हो रहे थे आपने देखा, वो ब्रेड की कीमतें बढ़ने के बाद ज़्यादा होते थे। दैट्स वाई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, राशनिंग सिस्टम कर दिया, भाई सबको बराबर मिलेगा या पर्सन के अकॉर्डिंग मिलेगा। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो किसान थे उनको ये मजबूर किया गया उनको कि वो अपना जो अनाज है वो शहरों में लाएं और गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है उसी प्राइस पे उसको सेल करें, बेचें। सो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। और जो बड़े लोग एक ज़्यादा सफ़ेद आटा खाते थे उसको मना कर दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगेलाइट, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड, यानी कि सबको एक जैसा मोटा गेहूं खाने का अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, सबको एक जैसी रोटी खाने का। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट,
इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टाइज थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. ठीक है, बोलने में भी या एक दूसरे से बात करने में भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे जो सब में बराबरी का दर्जा मेंटेन कर सकें. इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर एंड मदाम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सितोयन एंड सितोयन. ठीक है, पहले क्या होता था कि जो मेल होते थे, ठीक है, उनको इज्जत से मॉन्सियोर कहा जाता था. ठीक है, यानी कि महाशय, महोदय, ये जो कि क्या ऊंचा दर्जा दिखाता था, ज़्यादातर नोबल्स को बोला जाता था. ठीक है, महिलाओं को क्या बोला जाता था, मदाम. अब क्या हुआ, ये जो रिस्पेक्टेड वर्ड्स थे इनकी जगह कौन से वर्ड यूज़ होने लगे, सितोयन एंड मदाम की जगह क्या यूज़ होने लगा, सितोयन. दोनों का मतलब क्या होता है, सिटीजन. यानी उसने जो पहले हाई लेवल के वर्ड्स थे, ठीक है, वो बंद करके सबको सिटीजन, यानी सब बराबर हैं, सब आम आदमी हैं. सो चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज. और चर्च जो थे वो सब बंद कर दिए गए, उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको या तो आर्मी के बैरक्स बना दिए गए या फिर उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया. चर्च के अंडर जो ज़मीन आती थी वो सरकार ने अपने कब्जे में पहले ही ले ली थी. रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन. अब रोबेस्पियर ने अपना पॉलिसीज को इतना सख्ती से लागू किया था कि इवन उसके खुद के सपोर्टर भी बाद में परेशान हो गए, वो भी अब क्या चाहते थे, थोड़ा ढील चाहते थे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794. ठीक है, तो फाइनली रोबेस्पियर का भी एंड आ गया, उसको भी जुलाई 1794 में अरेस्ट करके अगले ही दिन उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया. उसने बड़े लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाया था तो अब उसकी बारी आ गई थी. ठीक है, अगले दिन अरेस्ट करके अगले दिन उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया और उसको मार दिया गया. ठीक है, अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रूल ख़त्म हो गया. ठीक है, तो आगे किसका रूल आएगा, उसके लिए एक नया सिस्टम आया. ठीक है, नया सिस्टम क्या आ गया, डायरेक्टरी सिस्टम आया, अ डायरेक्टरी रूल्ड फ्रांस. नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. ठीक है, अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास जो जैकोबिन क्लब का गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट तो गिर गया. अब नया सरकार, यानी अब पावर किसके पास आ गई, जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में जो ज़्यादा रिच पर्सन थे उनके हाथ में पावर आ गई. ठीक है, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, नए कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वही पहले वाली हरकतें, जो नॉन प्रॉपर्टेड पर्सन थे यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको अब राइट टू वोट से डिनाई कर दिया, यानी उनका जो राइट टू वोट था वो वापस ले लिया गया, यानी फिर से वही अमीर लोग ही वोट कर सकेंगे. इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी. अब क्या हुआ, एक दो परिषदें बनाई गई. ठीक है, जो कि लोगों से चुनकर ही बनती थी, और वो क्या करते थे, उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई. डायरेक्टरी में क्या होता था, पांच मेंबर होते थे, पांच मेंबर का एक डायरेक्टरी होता था. जैसे पहले तो सारी पावर एक ही पर्सन के पास थी, जैसे रोबेस्पियर के पास, तो उसने बहुत सारे ऐसे सख्त मेज़र लिए थे, तो उनसे बचने के लिए अब क्या कर दिया, भाई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, उसकी बजाय पांच बंदे हो गए, डायरेक्टरी हो गई, भाई जो वो पांच डिसाइड करेंगे वो होगा. ठीक है, पर वो पांच मेंबर आपस में ही लड़ने लग जाते थे. सो दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ फाइव मेंबर. ठीक है, जो कि पांच मेंबरों से बनी हुई क्या थी, एक डायरेक्टरी थी, जो कि अब रूल करना स्टार्ट कर दिया जिसने. दिस वॉज मेंट एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. तो जैसे एक पर्सन के पास सारी पावर थी जैकोबिन गवर्नमेंट में, अब वो उसके बजाय पांच मेंबर्स को उन्होंने डायरेक्टरी का पावर दिया. हाउ आर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव.
पर ये जो डायरेक्टरी थी, ये डायरेक्टर्स थे, ये भी एग्जीक्यूटिव से उलझे रहते थे, लड़ते रहते थे। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, जिसको कि बाद में क्या किया, फिर जो डायरेक्टर ज़्यादा उलझता था, लड़ता था, उसको बर्खास्त कर दिया जाता। द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन। तो डायरेक्टरी की जो एक ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन का रास्ता जो था वो खोल दिया। ठीक है, यानी अब क्या डायरेक्टरी के बाद जो रूल आएगा वो किसका आएगा, नेपोलियन। सो थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पोलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो भले ही चेंज जो भी होता रहा, ठीक है, अब देखो 1789 से 1794 तक कितनी बार क्या क्या चेंज हो गया। ठीक है, तो बेशक चेंज जो भी हुए, बट जो आइडिया था फ्रीडम का, जो आइडिया था इक्वलिटी का, लिबर्टी का, वो बाकी यूरोप में फैलना शुरू हो गया। उसने पॉलिटिकल थिंकर्स को मोटिवेट किया, अब अलग अलग कंट्रीज़ में भी लोग जो थे अधिकारों की मांग करने लगे थे। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 3, हाउ फ्रांस अबॉलिश्ड मोनार्की। अब मैंने आपको बताया यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो क्या इंपॉर्टेंट है, जैकोबिन क्लब के बारे में, व्हाट वाज जैकोबिन क्लब। ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जैकोबिन क्लब का। उसके बाद हु वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, रोबेस्पियर कौन था, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, भाई फ्रांस जो था वो गणतंत्र कैसे बना, तो आपको ये सारा प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि बेटा ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, और इसके बाद आगे रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, यानी जो रोबेस्पियर ने सख्त नीतियाँ लगाई थी, ठीक है, उसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको आप ग्रैब करो, अच्छे से समझो। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस को आप लर्निंग में लाओ। ओके बेटा, थैंक यू।